18 साल से लेकर 44 साल तक COVID-19 टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है अपॉइंटमेंट बुक करने में। यदि हम वेबसाइट से भी बुक करते हैं या फिर आरोग्य सेतु ऐप से ही बुक करते हैं तो बुक नहीं हो पा रहा है। अब क्या एरर आ रहा है ये मैं सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों को करना क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च बार में सर्च कर लेते हैं COVID.gov.in। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आ जाएंगे। तो OTP हमें यहाँ पे फिल करना है, तो हम क्लिक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल नंबर, जैसे कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वो भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपल में यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको फोटो ID कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है अभी फ़िलहाल में ही आया है इस वेबसाइट पर। इसके बाद हम चलते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर, देखते हैं शायद वहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो सके। सिंपल मैं सबसे पहले मैं आरोग्य सेतु ऐप ओपन करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इससे बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अलाउड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर टाइप करना है तो मैं मोबाइल नंबर फटाफट टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है आरोग्य सेतु ऐप में। यदि आपके पास भी इस तरह के एरर आता है तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है और हमारा आरोग्य सेतु ऐप जो है लॉगिन भी नहीं हो रहा है। पहले तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, लेकिन जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे जाने की कोशिश किया तो हमारा पेज जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। अब फिर से मैंने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा लॉगिन भी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल में वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप से ही प्रॉब्लम आ रहा है। रीज़न ये है, पता होगा आज से 18 साल से लेकर 44 साल तक व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यही रीज़न है कि वेबसाइट पे काफ़ी सारे लोड हो चुका है आरोग्य सेतु ऐप पे और वेबसाइट पे, इसकी वजह से ये साइट जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है आज के डेट में देखते हैं कब तक सॉल्व हो पाता है।